हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आज हम बनाएंगे मक्की के ढोकले, जो राजस्थान में सबसे ज्यादा बनाए जाते हैं और खाए जाते हैं, और ये खाने में बड़े ही टेस्टी होते हैं और इनको बनाना भी आसान है। तो फ्रेंड्स दोस्तों, रेसिपी चले तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और आपके चैनल राज किचन रेसिपी को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मक्की के ढोकले बनाने के लिए हमें इतनी सारी सामग्री की जरूरत पड़ेगी, लेकिन आप एक चीज का ध्यान रखें, जो आपके पास अवेलेबल नहीं हो आप उसे स्किप कर सकते हैं, पर आपको बनाना मेरे तरीके से ही है। और सभी सामग्री मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। एक बार आपने इस तरीके से मक्की के ढोकले बना लिए तो सभी आपकी तारीफ करेंगे और पूछेंगे जरूर कि बनाए कैसे थे और क्या क्या डाला था। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मक्की के ढोकले की सबसे पुरानी और बहुत ही पुरानी रेसिपी, और मैंने पहले भी बनाए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वहां से देख सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो सबसे पहले हमने चढ़ा दी यहाँ पर कढ़ाई, कढ़ाई में डालेंगे तिल का तेल। एक चीज का ध्यान रखें, जब भी आप मक्की के ढोकले बनाएं और आपको उसमें स्वाद चाहिए तो तिल का तेल ही पूरी रेसिपी में यूज लेना है। तो यहाँ डाल देते तिल का तेल हम करीब 3 से 4 टेबल स्पून। तेल गर्म होने के साथ ही डाल देंगे इसमें 1 टेबल स्पून जीरा। जीरे को तड़का ज्यादा नहीं लगाना है, ना जलाना है और ना कच्चा रखना है, बस 10 सेकंड जीरा अच्छे से तेल गर्म हो गया। इसके बाद 2 मीडियम साइज की प्याज मोटी कटी हुई डाल देनी है, गैस लो फ्लेम पर कर देनी है। करीब 40 कलियां और 2 गांठ लहसुन के डाल देनी है, हल्का सा चला लेना है। एक बार आपने इस तरीके से बनाकर अगर किसी को खिला दिए मक्की के ढोकले, सच बोल रहा हूँ, आपकी इतनी तारीफ करेगा और आपसे तरीका जरूर पूछेगा कि कैसे बनाए। बस ये देखिए, आप थोड़ा मेहनत जरूर लगती है। बस अब यहाँ डाल देंगे हम करीब 2 इंच अदरक, 4 हरी मिर्ची कच्ची वाली, स्प्रिंग अनियन का ऊपर का पार्ट, करीब 4 स्प्रिंग प्याज बड़ी वाली, और इसे थोड़ा मिला लेते हैं, फ्राई कर लेते हैं। अब डालेंगे इसमें हम हरा वाला लहसुन, इसके बिना मक्की के ढोकले वो भी राजस्थानी फ्लेवर वाले नहीं बन सकते हैं, और इसका स्वाद और इसका फ्लेवर तो बहुत ही जरूरी है इसमें। तो ये ऊपर का जो व्हाइट पार्ट है लहसुन का, ये डाल देंगे हम करीब 15 से 20 कलियों का, थोड़ा सा मिलाएंगे। फिर जो लहसुन का पार्ट होता है व्हाइट वाला, उसके नीचे वाला जो पार्ट होता है ग्रीन वाला, वो यहां डाल देंगे उतनी ही कलियों का, बारीक काट के इनको भी फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा। फिर डाल देंगे 100 ग्राम बॉईल की हुई मटर, अगर आप फ्रेश मटर नहीं मिले तो फ्रोजन मटर भी ले सकते हैं, उसे बिना बॉईल करे डालें, इसे भी मिला लेते हैं। सौ ग्राम बॉईल किए हुए चमले लोबिया उबले हुए, इसे हमने 5 घंटे भिगो के रखा था, और उसके बाद हमने इसे थोड़ा सा नमक डाल के बॉईल कर लिया, ये भी डाल देते हैं, मिला लेते हैं। अब जो अमूमन क्या होता है कि जब भी राजस्थानी ढोकले बनते हैं तो यह तरीका बहुत पुराना है, ये सारी चीज़ें ऐसे ही फ्राई करके सिलबट्टे पे पीसी जाती थी। काफ़ी तरीके हैं बनाने के, कुछ लोग नॉर्मली सिंपली डाल देते हैं, कुछ पापड़ का खार डालते हैं तो खार का अलग सा फ्लेवर आता है, लेकिन अगर इस तरीके से बनाएंगे तो पता भी नहीं लगेगा कि मक्की के ढोकले खा रहे हैं, कुछ और नई रेसिपी खा रहे हैं या और नई डिश खा रहे हैं। और इन चीज़ों को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है। अब ये देखिए, चावल डालने के बाद आपको बस 1 मिनट थोड़ा सा चला लेना है, वही मीडियम लो फ्लेम पर। फिर डाल देंगे हम यहाँ पर करीब 4 टमाटर, और ये टमाटर मैंने लिए हैं 4, ये मैंने लिए छिलका और बीज उतार कर और बीज में से रस निकाल कर। अगर आप अगर छिलका और बीज नहीं निकालते हैं, और अगर आप मुझसे पूछेंगे कि छिलका बीज क्यों निकाला कमेंट बॉक्स में, तो मैं ज़रूर बताऊंगा आपको, काफ़ी बीमारी से आप बचते हो जब आप छिलका और बीज निकाल देते हो। मिलाने के बाद कश्मीरी डाल देंगे, लाल मिर्च करीब 1 टेबल स्पून, करीब डाल देंगे 1/2 टेबल स्पून हल्दी,
दो टेबल स्पून धनिया पाउडर, वन टीस्पून चाट मसाला। मैं होममेड डाल रहा हूं, आप मार्केट वाला चाट मसाला भी डाल सकते हैं। और वन टीस्पून ही गरम मसाला डाल देंगे, होममेड आप मार्केट वाला भी ले सकते हैं। दोनों का लिंक, चाट मसाला और गरम मसाले का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप चेक कर सकते हैं और बना सकते हैं घर में। मिला लेते हैं इसे अच्छे से। अब इसे हमें करीब 3 या 4 मिनट ऐसे फ्राई करना है अच्छे से, बढ़िया से, हल्के से टमाटर घुलने तक। तो ये देखिए हल्का हल्का पानी छोड़ने लगे हैं, और अगर आप टमाटर का छिलका और बीज निकालेंगे तो बहुत ही कम पानी छोड़ेगा, और आप चाहें तो इसमें थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डालने वाला हूँ। और ये मिला लिया हमने अच्छे से और इसे फ्राई कर लिया है। अब गैस बंद कर देते हैं, इसे हल्का ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद में इसको क्या करेंगे, हम एक मिक्सी के जार में, बड़े वाले में, थोड़ा थोड़ा करके बिल्कुल बारीक महीन इसका पेस्ट बना लेंगे। तो मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, सिंपली मेहनत तो लगती है, मेहनत जब तक नहीं लगेगी तब तक तो फिर देखो आप उबालिए, खाइए और खिलाइए। कोई भी रेसिपी टेस्टी बनाने के लिए टाइम और मेहनत दोनों चीज़ें लगती है, ठीक है। जैसे नॉर्मली घर में भी सब्जी बनती है ना, अगर उसमें थोड़ी सी मेहनत कर ली जाए और थोड़ा सा उसे वक्त दे दिया जाए तो घर वाले सभी खुश हो जाएंगे खाकर। तो चलिए अब इसको थोड़ा ठंडा करके मिक्सी में पेस्ट बना लेते हैं इसका, और ये जो कढ़ाई है इसे भी साफ कर लेते हैं। तो सिंपली ये पेस्ट बना लिया है मिक्सी में डालकर, महीन ना पीसे, हल्का सा बिल्कुल मामूली सा दरदरा होना चाहिए। और इसको एक बर्तन में निकाल लिया है, कढ़ाई चढ़ा दी हमने वापस। अब इसमें वापस तिल का तेल डालना है, यानी सेसमे सीड्स का ऑयल, और यहाँ डालेंगे हम करीब 5 या 6 चम्मच, ये लीजिए। और एक चीज़ और बता देता हूँ, तिल का तेल नुकसान नहीं करता है, और सरसों का तेल, रिफाइंड खाएंगे तो रिफाइंड हो जाएंगे। तेल को गर्म होने देते हैं हम, सिंपली तेल गर्म हो गया है, गैस कर दिए लो फ्लेम पर, और जो पेस्ट बनाया था हमने मिक्सी में वो डाल देते हैं। सारा पेस्ट डाल दिया है, अब इसे लगातार हमें मीडियम लो फ्लेम पर 5 मिनट इसमें पकाना है तेल में। तेल का नामो निशान मिट जाएगा। और एक चीज का ध्यान रखें कि राजस्थानी जितने भी होते हैं, अगर आपको इसके बारे में पता है और आप राजस्थानी हैं तो हालांकि वो सिर्फ आटे में डालते हैं तेल, जो मक्की का आटा उसमें तेल डाल देते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद उसमें तेल में डुबो डुबो के खाते हैं। इस बारे में कुछ पता हो तो मुझे ज़रूर बताना। हम इसे 5 मिनट चला लेंगे, देखिए तेल गायब हो गया है बिल्कुल, कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन ये तरीका बिल्कुल अलग है और बहुत पुराना तरीका है ये। अब हमने जब पेस्ट बनाया था, सारी चीज़ें डाली थी तो नमक नहीं डाला था, तो हम यहाँ पर डालते हैं सबसे पहले 1/2 टेबल स्पून सी सॉल्ट, आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं, और 1 टीस्पून काला नमक डाल देते हैं। अब इसे चलाते रहेंगे मीडियम लो फ्लेम पर, नीचे लगने नहीं देना है, इस चीज़ का ध्यान रखें वरना जलने की खुशबू आएगी आपकी रेसिपी में। इसको चलाते रहें। तो सिंपली इसे 5 मिनट हमने पका लिया है, और गैस बिल्कुल लो फ्लेम पर करके इसमें डालेंगे हम करीब 50 ग्राम बारीक कटी हुई मेथी। आप चाहें तो ये स्किप कर सकते हैं, पर राजस्थान में मेथी जरूर डलती है ढोकले में, इसलिए मैं डाल रहा हूँ। साथ में मैं यहाँ डाल रहा हूँ करीब 50 ग्राम स्प्रिंग अनियन, जो ग्रीन वाला पार्ट होता है बारीक कटा हुआ। साथ में मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर लहसुन, ग्रीन वाला लहसुन की पत्ती होती है, जो जैसे स्प्रिंग अनियन का हरा पार्ट होता है ऐसे ही ये हरा पार्ट होता है लहसुन का, और इसके बिना ढोकलो में मज़ा नहीं आएगा और फ्लेवर भी नहीं आएगा। और इसका जब तड़का लगता है ना ऊपर वाले पार्ट का और ग्रीन वाले पार्ट का दाल में, आ हा हा, 3 किलोमीटर तक भी खुशबू आती है। ये डाल देते हैं, ये हमने करीब 15 से 20 कलियाँ ली थी, उसका हमने ये काट लिए हैं। साथ ही में डालेंगे हम यहां पर 2 प्याज बारीक कटी हुई, 50 ग्राम बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब इन सभी चीजों को मिला लेंगे। तो सिंपली सभी चीजों को हमने मिला लिया है, और अब
इसे हल्का ठंडा कर लेते हैं और फिर तैयारी करते हैं ढोकले बनाने की। देखिए मेहनत तो लगती है। सिंपली इसको कढ़ाई में से निकाल कर ठंडा कर लिया है। 500 ग्राम मक्की का आटा ले लिया है, बड़ी परात में डाल देंगे। मैंने इसे छाना नहीं है, आप चाहे तो आटे वाली चलनी से छान सकते हैं, लेकिन फ्लेवर नहीं आएंगे। एक कप सूजी डाल देंगे बारीक वाली। आधा कप बेसन डाल देंगे। सूजी हमने थोड़ी सी बचा ली थी, वापस डाल देते हैं इसको। वन टीस्पून नमक डाल देंगे, सी सॉल्ट। वन टीस्पून काला नमक डाल देंगे। एक बार इसे मिला लेंगे। ये मिलाना बहुत जरूरी है, और चाहे तो आप एक चलनी में छान सकते हैं, पर अच्छे से इस तरीके से मिला लेंगे। बेसन को थोड़ा छान के यूज में ले। मिलाने के बाद में फिर हींग डाल देंगे करीब 1 टेबल स्पून। इसे भी मिला लेंगे। डले बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए, इस चीज का ध्यान रखें, किसी भी चीज के लम्स। और जो मक्की का आटा है, एक सीक्रेट बताता हूँ आपको, मक्की का आटा अगर आप 20 या 25 दिन पुराना हो गया है तो प्लीज़ उसे काम में ना लें। नया फ्रेश मक्की का आटा ही आपको लेना पड़ेगा, उसी से बेस्ट और बढ़िया ढोकले बनेंगे। इसमें ये पेस्ट थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। तो ज़रूरी नहीं कि आप एक साथ सारा पेस्ट डाल दें, आप सारा एक साथ डाल देंगे तो फिर आटा और अगर आपने कुछ ज़्यादा गीला कर दिया है तो भी दिक्कत हो जाएगी। तो मैं इतना सा रख देता हूँ और अभी इसे चम्मच के सहारे से मिला लेते हैं, ठीक है। और चम्मच का काम चम्मच करेगी और हाथ का काम हाथ करेंगे, ठीक है। अब हाथ जो वो आटा होता है उसे गूंथने के लिए चम्मच से आटा कैसे गूंथ सकते हैं, ये लीजिए मैंने इसे अच्छे से मिला ली है। लेकिन जो ये मक्की का आटा होता है इसमें काफ़ी सोख करने की जो शक्ति होती है, ये जैसे पानी और तेल अच्छे से सोख करता है। जो राजस्थानी होते हैं वो तो इनको क्या करते हैं, मक्की के ढोकलों को बनाने के बाद में क्या करते हैं, इनको अच्छे से तेल में डुबो डुबो के खाते हैं, वो भी तिल के तेल में। अब ये लीजिए मैं सारा इसमें डाल देता हूँ। ये लीजिए प्लेट खाली हो गई है, ठीक है। और अब एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप का मिक्सर ना तो गीला होना चाहिए ना ड्राई होना चाहिए। एक नॉर्मल आटा जैसे गूंथते ना रोटी के लिए, वैसा आपका ये जो होना चाहिए। तो ये देखिए कितना अभी भी सूखा है। तो ये इसलिए सूखा है क्योंकि अभी हमने उसे अच्छे से मिलाया नहीं है, और ये काफ़ी पानी भी सोख करता है और तेल भी सोख करता है, ठीक है। और अगर आपको इसके बारे में बताओ तो बताना। और ये लीजिए हम यहाँ 200 ग्राम दही डाल देते हैं। मीठा दही डालना है, मतलब फ्रेश दही, मीठा मतलब फ्रेश दही डालना है। अब इसे हम मिला लेते हैं। ये मिला लिया हमने। अब ये देखिए इसमें ये बन रहा है, देखिए ना तो ये गीला है ना सूखा है, बीच का जैसे आटा होता है वैसा है, ये देखिए। तो अब इसमें हम डाल देते हैं एक इनो का पाउच। आप यहाँ पे मीठा सोडा भी ले सकते हैं, कुछ लोग खार भी डालते हैं। तो खार डालने से क्या होता है कि खार का स्वाद आता है, एक अजीब सा कड़वा सा। तो ठीक है, अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत मज़ा आने वाला। अब ये लीजिए थोड़ा सा हम लोई ले लेते हैं इसमें से, और आपको ये इस तरीके से रोल करना है। ये अंगूठा, ये देखिए अंगूठा ये चल रहा है ना साइड में, ये ऐसे अंगूठा आपका चलना चाहिए, ठीक है। और अब इसको हम कर देते हैं फ्लैट। ये फ्लैट हो गया। अब ये दो तरीके से बनाए जाते हैं, एक तो इस तरीके से बनाए जाते हैं और एक क्या होता है कि इसके बीच में होल कर दिया जाता है। होल इसलिए किया जाता है कि होल करने से क्या होता है कि होल जो करते हैं वो इसलिए करते हैं कि हमने सारी चीज़ें पका ली है, लेकिन ये क्या है कि हमने सारी चीज़ जो कच्ची चीज़ें डालते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको इसको चारों तरफ से पकाना था। होल इसलिए किया जाता है कि चारों तरफ से अंदर से अच्छे से पक जाए। तो इसी तरीके से हम सारे बना लेंगे। ये इसको अच्छे से कर देते हम चारों तरफ से सही। तो यहाँ पर ये देखिए हमने सारे बना लिए, और ये बचे हैं हमारे पास में एक, और ये हमारे पास में थोड़ा सा बचा है, यानी करीब 20 से 21 के आसपास बनेंगे। तो इसको रखते हैं साइड में। अब यहाँ पर हमने ये प्लेट ले ली, इडली वाली प्लेट।
इडली कुकर की, और इसमें हमने तिल्ली का तेल लगा दिया है और अब इसको इसमें जमा देंगे। ये सारे हमने जमा लिए हैं और जमाने के बाद में अब क्या करेंगे इनको, ये जो ये है इडली का स्टैंड, इसका नीचे वाला जो हिस्सा है ये खाली रखना है, बाकी सारी प्लेटें ऊपर रखनी है, तो पानी में ये ख़राब नहीं होंगे। तो ये लीजिए, अब इसको लगाते थे हम इडली कुकर में और पानी गर्म करने हमने पहले ही रख दिया था। ये लीजिए, इसको अच्छे से रख देते हैं और अब इसे हम पूरे 20 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। तो ये लीजिए, यहाँ पर पूरे 20 मिनट हो गए, ढक्कन हटा लेते हैं हम एक बार। अब ढक्कन हटाने के बाद आपको देखिए अच्छे से फूल गए हैं, और ये देखिए पूरा टच हो गया। ये देखो यहाँ पे टच होने का मतलब ये अच्छे से फूल गए हैं। एक इनो का पाउच डाला है जिसमें हमने, ठीक है। अब इसे हम ऐसे ही ढक्कर रख देते, गैस बंद कर देते और इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही ढका हुआ रहने देंगे। ये 5 मिनट हमारे यहाँ पर पूरे हो गए हैं, हटा लेते हैं ढक्कन। अब क्या करते हैं इनको थोड़ा निकाल लेते और ठंडा करके फिर इन्हें निकालेंगे हम। ये लीजिए, हमने यहाँ पर ठंडा कर लिया है। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, क्या होता है कि जब ये फूल जाते हैं, और अगर आपके पास ऐसा इडली कुकर है कि जिसके ऊपर ये तीन लाइनें हैं कि ट्रे ऊपर से नहीं निकाल सकते, नीचे से निकालनी पड़ेगी, तो ये फूल जाते हैं। जब आप इनको बाहर निकालेंगे तो क्या होगा कि इनका जो शेप है ना, जैसे आप निकालेंगे, ये देखिए ऐसे निकालेंगे तो ये शेप ख़राब हो जाएगा इसका, ये पूरे ख़राब से हो जाएंगे। तो अब इसका जो तरीका है वो ये है, ये ऊपर वाले तो मैंने निकाल लिए हैं। तरीका ये कि आप क्या करें, एक चम्मच ले लें, ठीक है, ये देखिए नहीं निकल रहे हैं, देखिए। तो अब जो तरीका है वो तरीका ये है कि आप क्या करें, एक चम्मच ले लें और चम्मच के सहारे से इस तरीके से ऊपर से पहले इन्हें निकाल लें। ये देखिए, ये अच्छे से, ये देखिए कितना अच्छे से पका है। आहा हा, मज़ा आ गया, इडली भी फेल है इसके सामने तो, वाह। दूसरा भी हम निकाल लेते, अब ये थोड़े बहुत टूटेंगे, ये देखिए टूट गया, लेकिन थोड़ा सा आप इशारे से निकालेंगे तो टूटेंगे भी नहीं। ये देखिए इधर से निकालते हैं, ये देखिए इधर से निकाल लिए, ये भी निकल गया। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे कि ये सारे जो ढोकले हमारे ये निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमने सारे ढोकले निकाल लिए हैं। अब इस पर थोड़ा सा आप ऑयल स्प्रेड भी कर सकते हैं, एक बचा है हमारे पास में और चार हमने लगा दिए हैं, और आप चाहें तो इस पर और तेल स्प्रेड कर सकते हैं अच्छे से, तिल के तेल में आप डुबो के खा सकते हैं, ठीक है, सॉस के साथ खा सकते हैं, हरी चटनी के साथ खा सकते हैं, दाल के साथ कर सकते हैं। हमने दाल भी बॉईल करने के लिए रखी हुई है, दाल अभी तैयार होने वाली है, बस तड़का लगाने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स दोस्तों, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी बटन दबा के ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। मेरे चैनल पर और भी काफ़ी रेसिपी है, उन्हें देखिए, बनाइए और खिलाकर तारीफ पाइए। और अगर आप इस तरीके से बनाते हैं ये मक्की के ढोकले, ठीक है, बहुत पुराना तरीका है ये, पहले तो सिलबट्टे पर पीस लिया जाता था, तो बहुत पुराना तरीका है। तो अगर आपको ये तरीके से आप बनाओ और आपके कोई तारीफ़ करे तो प्लीज़ मेरी भी तारीफ़ करना कमेंट बॉक्स में आके, और वीडियो को लाइक तो कर ही देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए कुछ ना कुछ डिफरेंट लाता रहता हूँ और नॉर्मल तो लाता ही रहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स दोस्तों, आज के लिए इतना ही, चलिए जो बनाया है उसे खाकर ख़त्म करते हैं।